तो हे गाइस, दिस इज प्रशांत पाटिल। तो फिर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरीके से अपडेट करें ताकि हम लिंक्डइन से क्यों से भी एक जॉब पा सकते हैं। ओके, तो फिर बस एक सिंपल सा मेथड है जिससे हम हमारे लिंक्डइन से कौन से भी जॉब को पा सकते हैं। ओके, मैं अभी लिंक्डइन से 3 जॉब कर रहा हूँ, ओके, एज ए ग्राफिक डिजाइनर। तो फिर मैंने किस तरीके से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट की ताकि मुझे जॉब की ऑफर आने लगे। ओके, तो फिर बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए जॉब, करियर, मोटिवेशन, बिजनेसेस के बारे में बता कर रहे हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यह किस तरीके से वर्क होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वह बहुत HRs होते हैं, तो फिर HR को अपने डेडिकेटेड स्किल के बेसिस पर एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो फिर वो फर्स्टली आप क्या करते हैं, वो उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पर आते हैं और यहाँ पर सर्च में करते हैं कि मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर वो सर्च करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। ओके, ओके, यहाँ पर सर्च कर दिया ग्राफिक डिज़ाइनर। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स आ गए हैं। ओके, तो फिर वो उनके प्रोफाइल पर जाकर उन्हें चेक करते हैं कि उनके डेडिकेटेड स्किल पर वो मैच होता है क्या। ओके, तो फिर आप या इस तरीके से रैंक में किस तरीके से आ सकते हैं। ओके, तो फिर आपने क्या करना है, आपने प्रोफाइल पर जाना है और यहाँ पर एडिट में जाना है और यहाँ पर एक हेडलाइन हुई, तो फिर हेडलाइन में क्या करना है, आपने यहाँ पर लिख देना है कि लुकिंग फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर हेडलाइन पर लिख देना है लुकिंग फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज। एज अ ग्राफिक डिजाइनर ओके, तो फिर सामने वाले को क्या पता क्या लगेगा कि यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पर आने पर यह शो होगा कि आपको जॉब की ज़रूरत है और किस बेसिस पर जॉब की ज़रूरत है, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। ओके, यहाँ पर आप एक कॉलम डालकर यहाँ पर एक लिख सकते हैं कि आपके इस सेक्टर में कितना एक्सपीरियंस है। ओके, मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, तो फिर आपने यहाँ पर सेव कर देना है। तो फिर यहाँ पर आपके प्रोफाइल पर आने के बाद जल्दी शो होगा कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है ग्राफिक डिज़ाइनर और आपके 1 ईयर एक्सपीरियंस भी है। ओके, तो बस यह हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ओके, तो फिर बात आती है सेकंड स्टेप पर। तो फिर यहाँ पर शो हो रहा है कि शो रिक्वायर्स यू ओपन टू वर्क। ओके, तो फिर यहाँ पर कर देते हैं गेट स्टार्टेड। तो फिर यहाँ पर शो हो रहा है कि जॉब टाइटल्स क्या डालें। ओके, तो फिर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर। ओके, तो फिर यहाँ पर जॉब लोकेशन से कि मैं यहाँ पर जॉब लोकेशन डाल देता हूँ और भी डाल देता हूँ। ओके, तो फिर यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर लोकेशन के बाद यहाँ पर हो कि स्टार्ट डेट। ओके, तो फिर आपने जॉब जल्दी चाहिए इसलिए यहाँ पर आप शो कर दे कि इमिडिएटली आई एम एक्टिवली अप्लाइंग। ओके, तो फिर यहाँ पर जॉब टाइटल्स क्या आपको चाहिए, मुझे यहाँ पर फुल टाइम भी चाहिए, पार्ट टाइम भी चाहिए। ओके, तो फिर मुझे इंटर्नशिप भी चाहिए। ओके, तो फिर यहाँ पर आपने शो करना है कि आपने ऐड टू प्रोफाइल कर देना है यहाँ पर यह सभी स्टेप कंप्लीट होने पर। ओके, तो फिर यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन है कि हमारे जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पर आ जाता है ओपन फॉर्म वर्क। ओके, तो फिर हमने यहाँ फर्स्ट क्लिक कर देना है और ऐड टू प्रोफाइल कर देना है और स्टार्ट पोस्ट भी कर देना है, क्या कि आपके कनेक्शन में जो लोग हैं वो सभी को नोटिफिकेशन जाएगी आप ओपन फॉर वर्क है। ओके, यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। तो फिर यहाँ पर आपके जो प्रोफाइल है, तो
तो फिर प्रोफाइल पर ओपन फॉर वर्क यह आ गया और आपकी एक पोस्ट भी चली गई। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर एक पोस्ट भी चली गई कि आप ओपन फॉर वर्क है। तो सो गाइस यह हो गई हमारी सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। ओके तो फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे थर्ड स्टेप पर। ओके तो फिर यहाँ पर थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पर एक्सपीरियंस है। ओके यहाँ पर हमने कोई जॉब की है या फिर इंटर्नशिप की है, इसकी एक्सपीरियंस यहाँ पर हमने डाली हुई है। ओके तो फिर यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे यहाँ पर शो हो रहा है कि लिंक्डइन हेल्प मी टू गेट दिस जॉब। ओके मतलब इस स्किल के अनुसार जो भी कुछ भी जॉब पोस्ट होते हैं यह हमारे लिंक्डइन हमारे यहाँ पर पोस्ट कर देगा नोटिफिकेशन सेक्टर में कि जॉब है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्यू जॉब। ओके और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जॉब मुझे मेरे स्किल के अनुसार यहाँ पर मैच हुए हुए। ओके यहाँ पर आप जाकर अप्लाई भी कर सकते हो। सो गाइस इस तरीके से लिंक्डइन आपको हेल्प करेगा कि आपके स्किल के बेस पर आपको जॉब मिले। ओके तो फिर इसमें वन ही रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो ज़्यादा मोर प्रोफेशनल होने की रिक्वायरमेंट होती है। ओके तो फिर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे कैसे आप मोर प्रोफेशनल बना सकते हैं, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, वो आप आई बटन पे जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाकर चेक कर सकते हो। ओके तो फिर इस तरीके से आप लिंक्डइन से जॉब अक्वायर कर सकते हो। और गाइस मैंने मेरे लिंक्डइन की प्रोफाइल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाली हुई है, वहाँ पर आप मुझे कनेक्ट हो सकते हो। ओके और हमारी एक प्रोफेशनल नेटवर्क का पार्ट हो सकते हो। ओके और गाइज कैसा लगा ये वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया है। और ऐसे ही नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का भी दबाइए। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।